चलते ले चलते हैं आपको सेनेट, जहां सेनेटर एहतजाज ऐसे नजारे ख्याल कर रहे हैं। उनसे पर्दा फाश हुआ, पैनामा में जो अकाउंट्स थे उसमें यह तो आप तस्लीम करते हैं कि हुसैन नवाज शरीफ के अकाउंट थे, यह तो तस्लीम करते हैं। जो बात कही गई मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं आया, पहले दिन से ये सुन रहे हैं मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं आया, मियां नवाज शरीफ का तो नाम नहीं आया। जब कोई डीएसपी या कोई डिप्टी सेक्रेटरी उसके बेटे के दो घर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में पकड़े जाएं तो पकड़ा कौन जाता है? बेटा पकड़ा जाता है कि डीएसपी पकड़ा जाता है? वो बेटा बाप तो कह सकता है डीएसपी मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम तो नहीं आया। भाई नाम आपका नहीं आया, हम तो हैरान हुए, एक हैरत की हुई बड़ी एक सब। ये जिस तरह पैनामा वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, लाइक पैनामा वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, हैरत हुई कि आउट ऑफ द ब्लू फरवरी में मार्च में हुसैन नवाज शरीफ साहब पिछले जनाब वजीर आजम वो क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं? कोई उसकी लॉजिक समझ नहीं आई, मंतक समझ नहीं आई कि वो फरवरी में अभी अप्रैल में ये पैनामा पेपर लीक हुए, अप्रैल में मीडिया में आए, लीक हो चुके थे, पर वो फरवरी में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये फकीर ने के चार फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, 16A 17A एवन फील्ड हाउस पार्क लेन मेफेयर लंदन अल्हम्दुलिल्लाह। और समझ नहीं आती थी कि ये क्यों इन्होंने किया, क्या जरूरत है। फिर पता लगा जब 3 अप्रैल को पैनामा पेपर्स आश्कार हुए, नाम वजीर आजम का उनकी औलाद का उसमें लिया जाने लगा, वजीर आजम का था कि नहीं था ये मैं इस पर बाद में आता हूं, पर लिया जाने लगा, मरियम बीबी का नाम लिया जाने लगा, मरियम बीबी का इंटरव्यू चलना शुरू हो गया, ये कहां से ले आते हैं मेरी जायदादें, ना मेरे भाइयों की कोई जायदाद है ही नहीं, मेरे नाम तो कोई जायदाद ना पाकिस्तान में है ना ना मुल्क के बाहर है कहीं, वो उनके इंटरव्यू चलने लगे। तो हमने फिर हमें समझ आई कि हुआ वाकया ये हुआ कि ICIJ ने जब उनके हाथ में ये सारा मटेरियल आया, बाकी सरबराहान हुकूमत और मुमलिकत आए भी मिला के, तो उन्होंने जिसका नाम आया उसको उस फैमिली को पूछा, फोन करके पूछा कि ये आया आपका नाम, हम अखबारात में देने वाले हैं, हम इसको इशू करने वाले हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई आपका मौकफ है तो बता दें। तो नवाज शरीफ खानदान ने सोचा नाम तो आ रहा है बेटी का, बेटी को बचाना है, जिस तरह डॉन लीग सारा है बेटी को बचाने के, बेटी के बचाने पे ये परवेज रशीद साहब और तारिक फातमी साहब और राव तहसीन साहब कत्ल हो गए हैं, मारे गए हैं, उस तरह उस वक्त उसको बचाना। शी इज दी एयर अपेरेंट ऑफ दी पॉलिटिकल लेगेसी ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, अब उसको बचाना था। तो फॉल गाय उसमें कौन बनाया, बेटे को बना दिया जिसके नाम ही नहीं है। बाद में निकला कि जिन फर्म्स का वो नाम ले रहे थे कि ये चार अपार्टमेंट्स बिलोंग टू नीलसन एंड नेस्कॉल कंपनी उनको ओन करती है मिनर्वा ट्रस्ट, मिनर्वा ट्रस्ट को ओन कर रही है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। तो अब पता लगा कि ये फॉल गाय बनाना था, सियासत हुसैन नवाज ने नहीं करनी, हसन नवाज ने नहीं करनी, मेरा नहीं ख्याल।
اپوزیشن لیڈر اعتزاز احسن سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔